रहेंगे, वो तीन सोच के वो एक एडिटर बना रहे, तो वो पढ़ना चालू करेंगे आप। तो इस तरह का मेरा कहना क्या, अपनी जिंदगी के तरफ आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा वो क्लासेस करने का। उसके साथ ही साथ आज आपको जानबूझ के साइबर क्राइम के बारे में इसलिए बोल रहे हैं कि दिन ब दिन हम लोग पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस बहुत ज़्यादा है। हमने हमारे पुलिस स्टेशन में भी एक साइबर सेल खोला हुआ है, वहाँ पे 3 ऑफिसर और 5 कॉन्स्टेबल हमने स्पेशली उसके लिए रखा है। और मैं आपको बोलता हूँ, अभी तक ये 2018 की बात बोल रहा हूँ, 2018 में हमारे पास कम से कम 400 से 500 कॉम्प्लेंट केवल साकी नगर की तरफ से आए हुए हैं, जिसमें साइबर क्राइम के हैं। अभी साइबर क्राइम इकोनॉमिक साइबर क्राइम भी आ सकता है, जिसमें डाटा चोरी किया, कंपनी का पैसा उसमें से गया, क्रेडिट कार्ड से पैसा गया, डेबिट कार्ड से पैसा गया। दूसरे तरफ लड़का लड़कियों का अफेयर्स के बारे में हो सकता है, लड़की अगर अंडर एज है, 18 साल के अंदर है, उसके साथ में किसी ने कोई भी गलत चीज़ की, तो वो साइबर क्राइम में भी आता है और साथ ही साथ पोक्सो करके नया आई थी उसमें भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको अभी से मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ गलत है। अभी ये पहले का जमाना था, हम इसके बारे में बात नहीं करते थे, ओपनली बात नहीं करते थे, लेकिन अभी का जमाना ऐसा है, जनरेशन ऐसा आ रहा है कि हम लोग नहीं बात करेंगे क्योंकि आपको इंटरनेट के ऊपर एवरीथिंग इज अवेलेबल है, बराबर है, आपके मोबाइल में, आपके हाथ में वो सब चीज़ें। तो ऐसे टाइम में वो परहेज करना छोड़ देना चाहिए, और हम इसको टॉप ओपनली आप घर में लड़के खास करके बोलता हूँ, आप घर में ये आपके शरीर को एक खास शरीर बनाइए। घर में अगर कोई व्यक्ति का फास्ट फैमिली मेम्बर है, उसमें आपका काका हो, मामा हो, छोटी मौसी हो, जो भी है, उसको एक तो अपना खास दोस्त बनाएं, जिसके साथ में अभी से राइट एज अभी से अपना दिन की बात उनके साथ शेयर करना शुरू कर दें। क्योंकि क्या हो जाता है, अभी का जमाने में ऐसा माहौल आ जाता है, हमने देखा हुआ है, डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है, फास्ट लाइफ में पेरेंट्स का लाइफ फास्ट है, आपका लाइफ फास्ट है, साथ ही साथ ऐसे ही कुछ अभी जो यंग एज है, वो यंग एज का ऐसे कुछ आघात आपके मन पर हो जाता है कि जिसका इफेक्ट आपके साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो जाता है, तो वो अवॉइड करने के लिए कोई एक कभी सही नहीं बनाया कि यार क्या शेयर आपकी खास होनी चाहिए, नहीं तो वो जगह जगह पर जाकर बताइए, फिर आपका और तकलीफ पड़ेगी। या फिर घर में से कोई ऐसा एक मेंबर बनाइए, चाहे आपकी माँ सबसे बेस्ट योर फ्रेंड की माँ, बड़ा सबसे ऊपर ये माँ, उसके बाद आपकी स्कूल टीचर भी हो सकती है, जिसके साथ आप शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम होंगे मोबाइल पे, अगर आपको काम को तकलीफ आ रही है, घर में कुछ तकलीफ हो रही है, आसपास कुछ तकलीफ हो रही है, तो शेयर ही करें। मैं अभी पेशेंट की पोजिशन में अभी आज एक रिपोर्ट में बैठ रखती हूँ, डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन फिर मैं ये डिस्कस करूँगा आपके साथ में, क्योंकि क्या हद तक गया है इसका साइबर क्राइम का इफेक्ट, कितने हद तक गया है मैं आपको बता दूँ। अपनी एक इलाका है, वो इलाका में थोड़ा से रिच लोग रहते हैं, तो वहाँ पे घर में एक मेड सर्वेंट रखी है, तो मेड सर्वेंट फीमेल है, 22-23 साल के औरत है, वो बच्ची उसके अंदर दिन भर रहती है, शाम को पेरेंट्स आ जाते हैं 5-6, मतलब 4 से 5 घंटा वो बच्ची अकेली मेड सर्वेंट और बच्चे आए हैं, वो मेड सर्वेंट फीमेल है, उसका किसी के साथ अफेयर है। अच्छा ठीक है, तो वो मोबाइल के ऊपर उसके साथ बात करती है, वो एक दूसरे को इंटीमेट सीन्स या इंटीमेट मोमेंट्स शेयर करते हैं, और वो सब ये बच्चे को दिखाते हैं, बच्ची की उम्र कितनी, 8 साल, ये साइबर क्राइम हो गया, पॉसिबल मतलब साथ में पोक्सो भी लग गया। तो मेरा कहना है कि हम लोग साइबर क्राइम कितने अंदर तक घुस जाए, देखो कि आपकी जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल है, जो आप लगी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक्स मैं बहुत कहता हूँ, जो आप लगी कि आपको ये उम्र में ये लेवल पे ऐसा ही पोक्सो किया, जिससे साइबर क्राइम से आपको आगा किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए, जब कल जब प्रॉब्लम होता है तो मालूम नहीं पता है किधर जाने का, क्या करने का। अभी ये पेरेंट्स पेरेंट्स है, उनको मालूम नहीं था क्या करना चाहिए, दो दिन से बात ये जो सेशन है, इसको अच्छी तरह से आपको इसके ऊपर फॉलो नॉलेज कीजिए, इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसका फॉलो कीजिए, इसका नंबर आपको देंगे, अगर आपको इस तरह से करियर करना चाहते हैं तो आप जरूर जाइए उनके साथ कंसल्टेशन लेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने सर को बताइए, इसको एक्सप्लेन करें, दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन, आज हमें बड़ा ज़्यादा इंट्रोडक्शन करेंगे, आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन रखा है साइबर क्राइम के बारे में, इन डेप्थ अगर आप इसको यहाँ पे 100-200 बच्चे हैं, उसमें से 50
जहाँ बच्चों को इसमें इंटरेस्ट है कि मैं साइबर क्राइम के फील्ड में अपने को आगे जाना है और जो वो खुद एक्सपर्ट करके छोड़िए बट एक्चुअली एक्चुअल है नॉलेज अबाउट द साइबर क्राइम उसको किस तरह से डील करना है। बच्चा बच्चे आप सर को बोलिए कि विक्रम सर को वापस आपके पास भेजूंगा तो एडवांस इसके बारे में क्लासेस लेंगे। व्हाट माय पॉइंट, ये जो स्टेज है उनको स्टेज वन में साइबर क्राइम का इंट्रोडक्शन है तो अगले इसमें आपको हम यूपीएससी एंड यूपीएससी स्टैंड फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी स्टैंड फॉर महाराष्ट्र।